हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है G15। क्या है ये? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में G15 विकासशील देशों का संगठन है, जिसका स्थापना 1989 में बेलग्रेड निर्गुण शिखर सम्मेलन जो था उस समय हुआ था। ठीक है, प्रथम शिखर सम्मेलन जो इसका हुआ था 1 जून से 3 जून 1990 के बीच कोलालंपुर, जो कि मलेशिया में है, वहां पे हुआ था। 19 देश इसमें शामिल हैं। कौन कौन है? भारत है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, श्रीलंका है, मिस्र है, अल्जीरिया है, सेनेगल है, जिम्बाब्वे है, केनिया है, नाइजीरिया है, जापान है, वेनेजुएला है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, मेक्सिको है, जमैका है, ईरान है और चिली है। ये 19 देश। भारत इसका फाउंडिंग मेंबर में नहीं है, लेकिन इसका सदस्य है। ये क्या है कि मुख्य तौर पर एशियाई और अमेरिका के कुछ देश मिला के G15 बनाया गया है। 19 देश इसमें शामिल है। इसका जो सचिवालय है वो जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पे है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है विकासशील देशों में व्यापार का निवेश, वित्तीय प्रवाह संतुलन और उसके बीच ये विचार विमर्श करना कि व्यापार का कैसे संतुलन किया जाए, कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए, कैसे उसको बैलेंस किया जाए, जो विभिन्न देशों, जो 19 देश हैं इनके मेंबर, उनके बीच। तो ये था G15, भारत इसका मेंबर है, ये याद रखना है। ठीक है, थैंक्स।